सो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बैंगन कैसे भूना जाता है गैस पे। तो आज मैं इसे भून के दिखाऊंगी। जैसे चोखा वगैरह बनाती हैं तो बैंगन भूनने में दिक्कत आती है कि कैसे भूना जाए, तो आज मैं वही पुराना ट्रिक लेके आई हूँ कि कैसे आप उसे भून सकते हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि हो गया कि नहीं और कैसे आप आसानी से इसका छिलका निकाल लेंगे, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा बैंगन है जिसे हमने धो के कपड़े से पोंछ लिया है। इसी तरीके से आप भी धो के इसे पोंछ लीजिए और जब भी आप भूनने के लिए ले रहे हैं चोखा के लिए तो एकदम फ्रेश बैंगन लीजिएगा, ताज़ा। अब इसे हम चीरा लगाएंगे इस तरीके से, देख सकते हैं ये हमने चीरा लगा दिया है। अब इसे हम डालेंगे ये मिर्च, देख सकते हैं मिर्च डाल दें। इसी साथ हमारा ये मिर्च भी पक जाएगा। ये है हमारा टमाटर, इसे भी धो के और पोंछ के तब इसे सेकिएगा। अब इसमें हम लगाएंगे तेल। थोड़ा सा तेल लगाने से इसका ये फायदा होता है कि इसका छिलका बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत आराम से ये छिलका इसका बाहर आ जाएगा। अगर हम तेल नहीं लगाते हैं तो छिलका निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, वो जल्दी निकल नहीं पाता है, इसलिए हमने सारे बैंगन में तेल लगा दिए हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से हम टमाटर में भी तेल लगा देंगे सब तरफ से। तो हम गैस चालू करते हैं। अब इसी पे हम ये बैंगन रख देते हैं। इसके बाद इस पे भी हम वही करेंगे। गैस पे बैंगन रखने के बाद उसे अलट पलट के सेकना है। टमाटर हमारा बहुत जल्दी हो जाता है जैसे देख सकते हैं। इस तरीके से आप चाकू भी लगा के टमाटर को सेक सकते हैं। सो गाइस, तो देख सकते हैं हमारा टमाटर भुन गया है और इसका छिलका भी अलग हो गया है, देख सकती हैं ये जो छिलका है, देखिए हो गया ना, बहुत जल्दी से भुन जाता है। इस बार मैं आपको गैस पे दिखा रही हूँ, अगले बार मैं छोटा तंदूर में आपको दिखाऊंगी कि तंदूर में कैसे बैंगन भुना जाता है, कैसे टमाटर भुना जाता है। ये देखिए हमारा हो गया है टमाटर। इसी तरीके से हमने दूसरा टमाटर भी निकाल लेते हैं। ऐसे उलट पलट करके ऐसे सेकना है, टमाटर को भी भुनना है। देखिए टमाटर हमारा तैयार हो गया। अब बैंगन को देख लेते हैं। सो गाइस, तो देखिए हमारा बैंगन हो गया। ऑलमोस्ट 5-6 मिनट में ये पक जाता है, इसमें पकने में टाइम नहीं लगता है। अब देख सकते हैं कि बैंगन हमारा थोड़ा छोटा हो गया है और स्किन उसकी जल गई है। जैसे ऐसे करने पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि बैंगन हमारा पक गया कि नहीं। अब इसे हम बंद कर देते हैं। ये हमारा बैंगन एकदम अच्छे तरीके से हो गया है, बहुत अच्छा। अभी ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकालिएगा, क्योंकि गरम गरम में छिलका नहीं निकलता है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसका आप छिलका निकालिएगा। सो गाइस, तो देखिए ये हमारा हो गया है, अब ये ठंडा हो गया है बैंगन। अब इसे हम आपको छील के दिखा रहे हैं कितने आराम से ये छिलका निकल जाता है। हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें तेल लगाने से इसका छिलका बहुत आराम से निकल जाएगा। ये देखिए हमारा टमाटर है। ऐसे लग रहा है जैसे कि आग में भुना हुआ है, जैसे कि लोग चूल्हा उल्हा में भूनते हैं गांव में, देख सकते हैं कितना अच्छा ये भुन गया है। देखिए इसी तरीके से आप सारे टमाटर छील लीजिए। तो आपको हम अब बैंगन दिखाते हैं।
देखिए कि टमाटर कितना अच्छे से छिल गया। बैंगन हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे हम छिल के दिखा रहे हैं आपको। बहुत हल्के हाथ से आप करिएगा, देख सकती हैं कितने अच्छे से ये कितने आराम से छिल जा रहा है, क्योंकि इसमें हमने तेल लगाया था इसीलिए। और अगर आप तेल नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसे जब ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा पानी से भिगो दीजिए, तब भी छिलका निकल जाएगा। बट क्या है कि उसमें पानी भर जाता है तो थोड़ा पानी वाला हो जाता है, और ऐसे में होता है कि ये ओरिजिनल इसकी टेस्ट होती है। जब आप चोखा बनाएंगे तो ओरिजिनल टेस्ट आएगा। छिलने के तरीके तो हैं कई, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। थोड़ा गर्म है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, जिसे देख सकते हैं कि भाप भी निकल रहा है। थोड़ा भी इसमें छिलका नहीं रहता है, बस आप इसे ऐसे करके सब निकाल दीजिए इस तरीके से। देखिए मिर्चा इसी में है अभी, ये देखिए एकदम पक गया है हमारा बैगन। देखिए अभी गर्म है, आपको भाप दिखा रहे हैं, पर इतने गर्म में आप नहीं छिलेगा, थोड़ा ठंडा करके, ताकि आपको हाथ को टच हो सके, क्योंकि गर्म रहेगा तो जल जाएंगे और छिलका भी नहीं निकलेगा। तो हल्का वो हो जाए, आप टच कर सके इसको, बैगन को छू सके, छिल सके, तो उस तरीके से आप करिएगा। क्योंकि ज़्यादा गर्म में छिलेंगी तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन छिलका भी नहीं निकलेगा। देख सकते हैं पूरा बैगन छिल गया है ऊपर से नीचे तक, देख सकती हैं। बस इसका डंडा निकाल देंगे, वो भी बहुत आराम से निकल जाएगा। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।